नमस्कार बच्चों आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास ट्वेल्व का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर फोर्टीन है हमारा सम स्पेशल इंटीग्रल्स एक्सरसाइज है पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर टेन तक बनाया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन से लेके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तक, तक सॉल्व करेंगे अभी तक आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद ही हो गया होगा फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए कि डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वाइन इनवर्स एक्स बायस सी दूसरा था हमारा डीएक्स बा स्क्वायर लॉग एक्स प्लस ए स्क्स बाई c इसी फॉर्मूला पर सारा बेस्ड है तो यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा तो आप इसको याद कर लें और चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है हमारा थ्री एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर नाइन माइनस एक्स टू दी सिक्स तो पहले तो उस फॉर्म में लाना है अपने को सोल्यूशन आई टू क्या है हमारे पास ये है हमारा थ्री एक्स 6. 6 अच्छा अब क्या सोचना है यहाँ पर देखो तो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर थ्री एक्स पर एक्स का पावर सिक्स है ना तो अगर x के पावर सिक्स को यहाँ पर हम ना ये पुट कर लें पुट कर लें ये x का क्यूब To t. नहीं x का to t. तो 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 है आधा कर दी हम हम लोग लोग इसका इसका करेंगे आ तो आ आ जाएगा तो इसका अगर differentiation करते हम तो क्या आ जाएगा अगर करते क्या देखो ऊपर वाला चीज गया और यहीं से अगर देखा जाए एक्स का पावर सिक्स कर लो सिक्स कर लो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर ठीक है और यहीं से देखा तो ये हो गया तो इस तरह से अब हमारे पास क्या हो गया तो दिस इंप्लाइज आई इक्वस टू कितना है ऊपर देखो तो क्या है थ्री एक्स उसको हम लोग डी टी लिख सकते हैं और नीचे क्या है नाइन है है ना माइनस सिक्स uh, और X6 को हम लोग क्या लिख सकते, है? T2 लिख सकते हैं टी हैं टी स्क्स को क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है और चलो अब देखो यहीं पर हम लोग बना लेते हैं इसको तो दिस I आई टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dt और नीचे क्या आ गया हमारा रूट अंडर Nine, का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस फोर स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है ये हो गया हमारा तो ये किस फॉर्मूला पर फॉर्मूलाइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्व क्या था हमारा साइन इनवर्स एक्स बायन इनवर्स एक्स हमारा आ रहा है अब प्लस ही आता है ये हमारा फॉर्मूला होता है तो हम ना फॉर्मूला आप लोग भी लिखो जब तक याद नहीं हो जाता तब तक आप लोग को लिखते रहना चाहिए हम बार बार लिख रहे हैं कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो अब इसी पर हम लोग इसको लाके बिठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स एक्स के जगह क्या है हमारा फोर टी है एक्स के जगह फोर टी है और ए के जगह क्या है थ्री और क्योंकि हमारा जो ये कॉफिशियंट है एक्स का कॉफिसियंट मतलब टी का कॉफिसियंट फोर है तो फोर से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू वन बाई फोर और ये हो जाएगा साइन इनवर्स फोर टी किस को माने थे हम लोग एक्स क्यूब को तो फोर एक्स क्यूब बाई थ्री फोर एक्स क्यूब बाई थ्री और प्लस सी यही हमारा आंसर हो गया ठीक है बच्चों तो ये हमारा क्वेश्चन था इलेवन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये भी देखो क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन i इक्व टू हमारे पास क्या है देख लो तो सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर सिक्सटीन प्लस टेन स्क्वायर एक्स ठीक है और dx तो साफ साफ है टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक x तो टेन को हम लोग t पुट कर लेते हैं तो पुट कर लेते हैं टेन एक्स जो हमारा है वो t है इसका जब डिफरेंशन करेंगे तो क्या होगा टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक्वायर एक्स डी एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा और यहाँ से देखो क्या हो गया हमारा दिस इंप्लाइज i इक्व सेक्स डी एक्स को हम लोग dt लिख देते हैं और नीचे क्या है रूट अंडर सिक्सटीन और प्लस टेन एक्स को टी माने तो टी का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है बच्चों तो इसी को हमने क्या लिख सकते हैं आई इक्व इंटीग्रेशन यहाँ हमारा डी है और नीचे चाहो तो टी स्क्वायर आप पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं है आप प्लस सिक्सटीन को क्या लिख सकते हैं फोर का स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है थीके? और इस तरह से ये आ गया और अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है देखो क्या फार्मूला होता है फॉर्मूला होता है हमारा डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यह फॉर्मूला होती है तो ये फॉर्मूला हम बार बार जान के लिख दे रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए है ना आप अपने सम में लिख भी सकते हैं इसको नहीं भी लिख सकते अगर याद हो जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन जब तक याद ना हो तो आप जरूर लिखें तो i इक्व क्या हो गया हमारा अब लॉग और x के जगह क्या है हमारे पास t है और प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सी ठीक है तो अब टी का जो असली वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू वो डाल देंगे तो आई इक्व टी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे टेन एक्स प्लस यहाँ पर टी का टेन स्क्वायर एक्स और प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और प्लस सी ठीक है बच्चों तो ये हमारा आंसर हो जाएगा है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखो ये थर्टीन ये भी सेम पिछले की तरह का ही है तो सोल्यूशन आई इक्व टू इंटीग्रेशन ऊपर है हमारा साइन एक्स डी एक्स और नीचे है रूट अंडर फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं पुट कर लेते हैं कॉस एक्स को हम लोग टी बोल देते हैं तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी और इसी को क्या लिख देंगे साइन एक्स दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो साइन एक्स डी एक्स इक्व टू माइनस डी टी ठीक है तो ये माइनस डी टी हो गया अब हम लोग क्या कर लेते हैं यहां से तो दिस एम्प्लाइस आई इक्वस टू क्या हो गया ऊपर हो गया मेरा माइनस डी टी और नीचे हो गया हमारा फोर को टू का स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस को टी लिखते हैं तो टी का स्क्वायर हो जाएगा तो ठीक है फिर से वही फॉर्मूला आ गया हमारा फिर से वही फॉर्मूला आ गया हम्म देखो फिर से वही फॉर्मूला हमारा एक यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है क्या है इंटीग्रेशन डीएक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो एक ही बात है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक है ऐसा और प्लस सी तो इसी को हम लोग अब जो है इसी फॉर्मूले पर ला लेते हैं हम लोग हो क्या जाएगा माइनस तो बाहर आ गया लॉग एक्स के जगह क्या हमारा टी है तो टी और प्लस रूट अंडर टू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और प्लस सी अब टी का जो असली वैल्यू है वो डाल दो तो आई हो गया माइनस लॉग टी के जगह हम लोग कॉस एक्स डाल देंगे और टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर प्लस टी स्क्वायर क्या हो गया ठीक है बच्चों ये है हमारा आंसर हो गया है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फोर्टीन यहां भी देखो भाई ये सॉल्यूशन आई टू हमारे पास है कॉस एक्स बाई रूट अंडर नाइन साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स तो क्या पुट करना चाहिए अपने को यहाँ पर साइन एक्स को टी मान लो तो कॉस एक्स डी हो जाएगा है ना तो पुट साइन एक्स इक्व टू टी तो डिट्स इंप्लाई साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स और डिफरेंशियल इसका डी एक्स इक्व टू क्या हो जाएगा डी तो अब देखो क्या हो रहा है हमारा ऊपर जो हमारे पास है आई इक्वस टू ऊपर जो है कॉस एक्स डी को हम लोगों ने क्या लेना है डी लेना है और नीचे ठीक है नाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन को तो टी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस वन हो जाएगा और फाइनली देखो ये क्या आ गया हमारा आई इक्वस टू इंटीग्रेशन डी टी बाय रूट अंडर क्या है तुम्हारा थ्री टी का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर थ्री टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो देखो ये किस फॉर्मूले पे जाएगा देखो ये जो फॉर्मूला पे जाएगा तो ये फॉर्मूला होगा हमारा इंटीग्रेशन डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये आ जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट अंडर x square minus a square plus c ये तो इस फॉर्मूला पे जाने वाला ये तो क्या आ गया दिस इंप्लाइज आई इक्वल तू क्या हो गया लॉग x के जगह क्या है तुम्हारा 3t है और प्लस रूट अंडर 3t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c हो गया और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे आई इक्वल तू लॉग 3 अच्छा क्योंकि टी का कॉफिशियंट थ्री है तो आपको थ्री से क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा तो अब फाइनली वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा और लॉग थ्री और टी किसको को माने हम लोग साइन एक्स को थ्री साइन एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टी का स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन और प्लस सी ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर यहीं पे हमारा जो है बंद हो जाएगा मॉडुलस अ प्लस सी तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्टीन का ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिफ्टीन देखो यहाँ क्या है हमारे पास तो सोलूशन आई टू टू दावर एक्स बाई रूट अंडर फोर प्लस इ टू पावर एक्स इ टू दावर टू एक्स है ई टू दावर टू एक्स डी एक्स है ना तो यहाँ देखो हम लोग पुट कर रहे हैं क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे पुट कर रहे हैं e टू द पावर x को dt तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x dx equals to dt e टू द पावर x dx equals to dt हो जाएगा ठीक है e टू द पावर x dx equals to dt हो जाएगा और अब देखो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से तो दिस इंप्लाइज़ i इंटीग्रेशन ऊपर तो dt तो तो है नीचे क्या हो गया रूट अंडर फोर को टू का स्क्वायर लिख सकते हैं और इ टू दी पावर टू एक्स है तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये टी फार्मूला लगा सकते हैं देखो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो एक ही बात है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी तो इसी फॉर्मूले के साथ हम लोग चलेंगे और क्या हो जाएगा आई इक्व हमारे पास लॉग एक्स के जगह टी है प्लस रूट अंडर टू का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस सी और फाइनली अब आई इक्व टू लॉग टी का वैल्यू डाल दो तो टी का वैल्यू कितना पावर e एक्स है और प्लस रूट अंडर फोर प्लस टी स्क्वायर तो t का स्क्वायर करोगे इसका तो ई टू पावर टू एक्स हो जाएगा तो ई टू पावर टू एक्स और प्लस सी और यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 16, ये भी देखो ऑलमोस्ट पिछले के तरह ही है तो सॉल्यूशन आई इक्व टू इंटीग्रेशन टू ई टू दावर और इधर क्या है हमारा रूट अंडर फोर माइनस इ टू दावर टू एक्स और साथ में क्या है डी एक्स तो चलो इसको जो है हम लोग थोड़ा e टू पावर पुट कर लेते हैं देखो ऊपर में e टू पावर x दिख रहा है है ना तो e टू पावर x को t मान लेते हैं तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर x डिफरेंशियल dx और ये किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर हो जाएगा और यहां से देखो क्या आ रहा है i इक्व टू टू डी टी और नीचे क्या आ जाएगा रूट अंडर four two का ले लेंगे अगर है क्या क्या होगा हो जाएगा तो टी है ना दोनों साइड यहाँ स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा e to the power two x to t square. ठीक है ये आ गया अच्छा इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं आई इक्व टू तो बाहर ले, ले लेते हैं और यहाँ हो गया डी टी बाय रूट अंडर टू का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर ठीक है और जैसे ही ये हमको फॉर्मूला याद आ गया भाई क्या फॉर्मूला था हमारा देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो था इंटीग्रेशन डी एक्स बाय अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्व टू साइन इनवर्स एक्स ना था साइन इनवर्स एक्स इसी फॉर्मूले पर इसको हम लोग लाके रख देंगे तो इक आई इक्व हो गया टू और ये क्या हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स के जगह क्या है टी बाई टू प्लस सी तो यहां से हो गया आई इक्व टू साइन इनवर्स टी के जगह क्या रखेंगे ई टू दी पावर एक्स बाय टू ये हो गया हमारा और प्लस सी प्लस सी तो ये हमारा आंसर हो गया टू साइन इनवर्स ई टू दावर एक्स बाई टू प्लस सी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एक्स ठीक है अच्छा चलो इसको देखो थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने का तो क्या हो जाएगा कि आई टू ध्यान देना dx बाई रूट अंडर वन माइनस ई टू पावर एक्स ठीक है तो क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर आ नहीं रहा है तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा थोड़ा सा आ, इसको ना हम डिवाइड कर लेते हैं यहां से आई इक्व इंटीग्रेशन डी एक्स ठीक है और रूट अंडर ई टू पावर एक्स कॉमन निकालते हैं यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा वन बाई टू दावर एक्स माइनस वन ठीक है और फिर अब देखो अगर इसको हम लोग बाहर निकालने लग जाएं तो आई इक्वल टू तो क्या हो जाएगा डीएक्स और रूट से अगर बाहर निकालोगे है ना तो ये देखो दोगुना पावर आधा पावर जैसे चार है तो बाहर होकर पावर आता है दो रहता है तो बारह एक पावर होता है तो ये ई का पावर एक्स बाई टा नहीं इसका दोबारा से करेंगे करेंगे इसका डबल एक्स अगर पूरा का होल स्क्वायर करें तो ई टू दावर एक्स बन जाएगा और अंदर क्या हो गया ये ई टू दावर माइनस एक्स बन गया ठीक है और माइनस वन बन गया है ना अच्छा तो इसी चीज को हम लोग अगर क्या कर लिया जाए देखो ध्यान से इसी चीज को क्या कर लिया जाए आई थोड़ा पहले इसको ऊपर लेके चलते हैं तो ये ऊपर आके हो जाएगा e x 2 dx और नीचे देखो क्या है तुम्हारा e लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर तो 2 टू कट के ई टू दावर माइनस एक्स ही हो जाएगा और माइनस वन लिख सकते हैं अब पुट कर लो इसको पुट करते हैं अब पुट कर लो देखो काम बन जाएगा मेरा पुट कर लेते हैं अब हम लोग इसको पुट कर लेते हैं पावर माइनस एक्स बाई टू इक्व टू टी तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो, e हो जाएगा हमारा डी एक्स इक्व टू डी टी ठीक है ये हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज यहीं से क्या आ रहा है हमारा देखो ध्यान से यहां से क्या आ रहा है हमारा देशम्प्लाइस इवर माइनस एक्स बाय डी टू डी टी ये टू ऊपर चला गया और ये माइनस नीचे तो माइनस नीचे जाके वो आ जाएगा नहीं ये तो ऐसा आ रहा है तो अब हम लोग इसको वापस से अब लिख सकते हैं बना सकते हैं देखो क्या आ रहा है हमारा तो दिस इम्प्लाइस आई इक्वस टू ऊपर में क्या है हमारा माइनस टू डी टी नहीं ऊपर है माइनस टू डी टी और नीचे क्या है हमारा रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर चाहो तो वन का स्क्वायर आप लोग इसको लिख सकते हो ठीक है अच्छा तो अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आई इक्व टू माइनस टू हो गया माइनस टू बाहर आ गया और डी टी बाई डी एक्स बाय स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग वाला लग जाता है तो माइनस टू ये बाहर आ गया और लॉग टी और प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस वन और प्लस ये हो गया अब टी का जो असली वैल्यू है वो डाल देते हैं तो आई इक्वस टू माइनस टू लॉग टी का जो दावर माइनस एक्स बाई टी स्क्स एक्स बच जाएगा ई e का पावर माइनस एक्स और माइनस वन ठीक है ई e का पावर माइनस एक्स माइनस वन और प्लस हमारा सी है चल ही रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है बच्चों तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 18 देखो क्या है सॉल्यूशन i √ है पूरे में a x और a x और जहां भी रूट दिखे और ये क्या हमारा dx है और जहां भी रूट दिखे ना उसको ना टूट पढ़ना है रेशनलाइजेशन uh, के लिए तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो i क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे देखो तो √ अंडर ए माइनस एक्स बाई एक्स इसको रेसनलाइज करते हैं ए माइनस एक्स बाई एस एक्स और बाहर है हमारा डी एक्स देखो आई टू ऊपर में एक ही चीज दो बार है तो बाहर आ गया ए माइनस एक्स और नीचे है तो क्या आ गया रूट अंडर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यह है डी एक्स ठीक है तो अब देखो यहां से दो हिस्से में चले जाएंगे हम लोग तो i इक्व एक्स ए बाय अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स और माइनस एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स ठीक है तो चलो देखो अभी यहाँ पे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में पुट कर लेते हैं इस वाले में पुट कर लेते हैं पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, पुट टी, इसका करेंगे तो जीरो माइनस टू एक्स डीएक्स इक्व क्या हो गया डी टी ऊपर में अपने पास सिर्फ एक्स है तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू डी टी ठीक है इस तरह से हो जाएगा तो यहां पर देखो अभी क्या आ रहा है तुम्हारा ध्यान से तो आई इक्वस टू ए तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन uh, को क्या लिखेंगे 1 2 dt, नीचे क्या हो गया रूट टी नीचे रूट टी ठीक है तो अब तो देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला पे आ रहा है तो आई टू ए डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस क्या होता है साइन इनवर्स एक्स जाता है और प्लस डी बाय रूट टी का इंटीग्रेशन डी टी, टी इंटीग्रेशन क्या होता है टू रूट टी तो इंटू टू और रूट टी तो ये सबका वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा अपना तो आई इक्व ए साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट और प्लस सी भी डाल देना था भाई और रूट टी किस को माने हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी तो ये हमारा आंसर हो गया ठीक है बच्चों तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ठीक है देखो ये क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन आई टू क्या है हमारे पास डीएक्स भाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है भाई तो ये क्या हो गया हमारा आई इक्व टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए के जगह एक्स इसको सिक्स के लिए सिक्स हाँ, लाने के लिए क्या चाहिए थ्री चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या है थ्री है बी क्या है थ्री है तो इसका स्क्वायर लाने के लिए थ्री का स्क्वायर कर लेते हैं ठीक है तो थ्री का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारा नाइन आ गया अब प्लस फाइव हमारे पास था प्लस फाइव हमारे पास था

स्क्वायर कर दिया बी का स्क्वायर के लिए क्या किया थ्री का स्क्वायर कर तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना बी का होल से था और 3 का अपने मन से प्लस किया था तो अपने मन से क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने में तो आई इक्व क्या हो गया तुम्हारा डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और फाइव माइनस ठीक है फाइव माइनस नाइन फाइव माइनस नाइन क्या आ गया माइनस फोर आ गया फाइव माइनस नाइन क्या आ गया माइनस फोर आ गया चलो अब देखो यहां से क्या हो रहा है अब यहां पर हम लोग चाहो तो फिर से इसको पुट कर सकते हो ठीक है पुट कर लो एक्स प्लस थ्री इक्व टू टी एक्स प्लस थ्री इक्वस टू टी तो दिस इंप्लाइज, डी इक्व टू कितना आ गया हमारा डी टी हमारा इक्वी तो अब देखो क्या आ रहा है इसका फॉर्मूला तो हम लोगों को पता ही है तो डीएक्स बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्सर लॉग मॉडुलस टी और प्लस रूट अंडर टी स्क् माइनस टू का स्क्वायर प्लस सी अब सबका असली वैल्यू डाल दो तो आई इक्व लॉग के जगह क्या रखेंगे एक्स प्लस थ्री और यहां पर क्या रखेंगे एक्स प्लस थ्री का एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा फोर हो गया ना तुम्हारा फोर और प्लस 3. अच्छा देखो ध्यान से देखना इसको एक बार ध्यान से देखना क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर तो आई इक्वस हो गया लॉग एक्स प्लस थ्री और प्लस रूट अंडर अच्छा ये जो आया है तुम्हारा टी स्क् माइनस ए स्क्वायर ये यहीं से बन के आया यहीं से इसी को ना रख के आया था ये वाला चीज ये वाला चीज यहीं से आया था हमारा ठीक है ये वाला चीज यहीं से यह, यहाँ से ये रूट का अंदर टी स्क् माइनस टू का स्क्वायर यहीं से बना था और यही चीज यहाँ आया एक्चुअली में ये ओरिजिनल था क्या ये असली में जो था मेरा वो क्या था यो ये वाला चीज था डायरेक्ट तो यही वाला लिख देंगे। और आप इसको जब तो वही आएगा। क्या स्क्वायर प्लस सिक्स फाइव तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव और प्लस क्या हो गया हमारा सी हो गया ठीक है प्लस क्या हो गया हमारा सी ठीक है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है इसको जब सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा तो डायरेक्ट वहीं से हम डाल देंगे इसको और इसको एक बनाने का आसान तरीका है अगले सम से हम वैसे ही करेंगे इतना लेंदी हम लोग नहीं करेंगे ये पहला एक समझाने के लिए हमने ऐसे बना दिए हम लोग कर सकते हैं अब आगे से थोड़ा सा हम लोग जल्दी से आसानी से कर लेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर देखो सोल्यूशन क्या हमारे पास आई इक्व टू डीएक्स बाई रूट अंडर टू माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस वन है ठीक है तो दिस इंप्लाइज अभी हम ना इसको पुट उट नहीं करेंगे क्योंकि लीनियर है नीचे क्या लीनियर है? है तो पुट करने का कोई जरूरत होता नहीं है तो लीनियर को समझ लो कि बस वो एक्स की तरह काम करता है क्योंकि डिग्री वन वाला यहां पर क्या है टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस वन का होल स्क्वायर तो देखो ये क्या डी एक्स बायो समझो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आई इक्व टू लॉग एक्स तो टू माइनस एक्स का टू माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस रूट अंडर यही चीज टू माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस वन ठीक है बच्चों तो यही हो जाएगा हमको और चाहो तो इसको पूरा का पूरा तोड़ लो प्लस सी पूरा का पूरा इसको अब तोड़ लो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है तो तोड़ भी सकते हैं तो एक स्टेप और थोड़ा डील कर लो तो टू माइनस एक्स और प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू टू इंटू एक्स और प्लस वन है ना और प्लस सी ऐसा हो गया तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है आई लॉग टू माइनस एक्स और प्लस यहां पर देख लो क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर टू टू या फोर माइनस फोर एक्स और प्लस फोर और प्लस वन फाइव और प्लस सी ठीक है बच्चों ये हमारा आंसर हो गया अच्छा हाँ एक्स एक, एक का था? माइनस था ना एक्स का तो यहाँ पर ने एक बार माइनस वन से अपने एक्स का, तो का, का जो भी कॉफिशियंट होता है उससे डिवाइड करना होता है तो माइनस वन था तो माइनस वन से डिवाइड कर तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ये भी पिछले के तरह तो सोलूशन आई टू क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन डीएक्स बाई तो चाहो तो पुट करके बना लो लेकिन क्योंकि लीनियर है है ना एक्स माइनस थ्री लीनियर है तो पुट करने के लिए हम बहुत जरूरत नहीं है हमारा ऐसे ही हम लोग बना लेंगे वन तो इसी को हम लोग आई इक्वेस्ट टू क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डीएक्स बाई रूट अंडर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर चाहो तो पुट कर लो लेकिन पुट करके थोड़ा लेंदी हो जाता है तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं इसी को पूरे को समझो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये आई इक्वेस्ट टू क्या हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स माइनस थ्री और प्लस रूट अंडर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी क्योंकि पर x का 1 है 1 है तो तो डिवाइड से करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं वन के अलावा कुछ और हो तो फर्क पड़ता है तो ये लॉग आ गया और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं एक्स माइनस थ्री और प्लस इसका स्क्वायर को तोड़ लो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू थ्री और माइनस वन और बाहर में है सी तो फाइनली क्या आ गया हमारा आई इक्व टू लॉग और यहाँ पर आ गया एक्स माइनस थ्री और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स सिक्स एक्स और प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन में वन गया प्लस एट और प्लस सी हो गया हमारा ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ट्वेंटी टू अभी देखो यहाँ पर सॉल्यूशन I इक्व टू इंटीग्रेशन डी एक्स यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ नहीं है तो अपने को बनाना होगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I इक्व टू देखो ध्यान से डीएक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए के जगह एक्स और बी के जगह थ्री डालेंगे थ्री टू सिक्स एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर तो अब ऐसे भी सोच सकते हो तो थ्री का स्क्वायर नाइन आया टेन में से नाइन आ चुका है तो प्लस वन खाली डाल देंगे तो काम हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन वन टेन टेन को ऐसे लिख दिए तो क्या फायदा हुआ हमारा आई इक्व टू इंटीग्रेशन डीएक्स बाई रूट अंडर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसा आ गया अब देखो फॉर्मूला में सीधा आ गया तो प्लस टेन और प्लस सी, नहीं। इसी को लिखेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये किसको सॉल्व करके आया इसको सॉल्व करके आया तो उल्टा अगर इससे ये बन जाएगा इससे ये बन जाएगा तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा तो ये हमारा आंसर हो गया ये था हमारा क्वेश्चन नंबर

तो हम लोग क्या करते हैं टू को रहने देते हैं और इस दोनों में से इस दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया माइनस टू एक्स है ना यहाँ क्या आ गया माइनस टू एक्स इस दोनों में से माइनस कॉमन निकाले तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के जगह ए आया बी के जगह वन आ गया टू एक्स आया अब इसको पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वन का स्क्वायर करना पड़ेगा तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और इधर हमारा पहले से टू है ठीक है अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर माइनस माइनस वन स्क्वायर हो चुका है ठीक है या माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन हो चुका है अपने मन से माइनस वन हुआ है तो हम लोग प्लस वन अपने मन से डाल देते हैं क्या करते हैं प्लस वन हम लोग अपने मन से डाल देते हैं ठीक है तो अब देखो क्या हो रहा है अब बराबर आ गया ना ये वन और ये वन कट के देखो ऊपर के बराबर है तो आई इक्व क्या है हमारा इंटीग्रेशन डीएक्स बाई रूट अंडर ये क्या है तुम्हारा टू वन थ्री है और माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है अच्छा इसके साथ थोड़ा सा दोनों को स्क्वायर अगर बना ले तो डी एक्स बाई रूट अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और अभी देखो ये क्या हो गया तुम्हारा तो आई इक्वस टू ये है साइन इनवर्स है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई तो एक्स माइनस वन बाई रूट थ्री और प्लस सी तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ये ट्वेंटी थ्री था ट्वेंटी फोर देखो तो ट्वेंटी फोर देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन आई इक्व टू इंटीग्रेशन डीएक्स बाई रूट अंडर देखो यहां भी क्या करना है माइनस ये अच्छा पहले तो जो है वो हम लिख लेते हैं ये हमारा है एट माइनस फोर एक्स और माइनस टू एक्स स्क्वायर ठीक है तो लग रहा है सबसे टू कॉमन निकल जाएगा इसमें 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 सबसे टू कॉमन निकल जाएगा तो आईक्ट इंटीग्रेशन डी एक्स रूट अंडर सबका टू कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ गया फोर माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये हो गया हमारा और अब देखो यहां से क्या हो गया I to, ये root two, by root बाहर ले लो integration, dx by minus, in, root के अंदर में minus x minus x square, और अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो देखो क्या हो रहा है हमारा आई इक्व क्या हो गया वन बाई रूट टू इंटीग्रेशन dx और इस फोर को तो अभी रहने देते हैं इस दोनों से माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या हो गया माइनस स्क्वायर प्लस टू एक्स तो एक्स स्क्स इंटू एक्स इंटू वन है तो प्लस वन का स्क्वायर डाल देंगे तो इधर माइनस वन का स्क्वायर माइनस हुआ तो इधर वन का स्क्वायर प्लस कर देते हैं वन का स्क्वायर वन प्लस कर दिए तो अब देखो फाइनली क्या हो रहा है हमारा आई इक्व टू वन बाई रूट टू हो गया और डी एक्स बाई रूट अंडर यहाँ क्या हमारा फाइव फोर वन फाइव फाइव क्या हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर और अब तो ये हमारा क्या हो गया ये रूट फाइव का स्क्वायर है ना ये का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो तो आई इक्व क्या हो गया तुम्हारा वन बाई रूट टू और ये क्या डी एक्स बायर माइनस एक्स स्क् वर्स एक्स बायोग रूट फाइव और प्लस सी ये हमारा ट्वेंटी थ्री का आंसर आ गया ठीक है ये हमारा जो है वन बाय रूट टू ट्वेंटी फोर का आंसर हमारा ये वाला आ गया ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ट्वेंटी फाइव तो ये भी देखो हमारा सॉल्यूशन आई इक्वस टू क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन डीएक्स बाय रूट अंडर सिक्सटीन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो यहां भी हम लोग वही करने वाले हैं डीएक्स और देखो तो ध्यान से रूट अंडर इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्स है ना 6x. तो टू इन थ्री हो गया ना प्लस थ्री uh, का स्क्वायर कर लेते हैं तो थ्री का स्क्वायर प्लस हुआ यहाँ पहले से सिक्सटीन है थ्री का स्क्वायर वहां प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस हुआ तो यहाँ पर नाइन क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं तो अब ये नाइन नाइन कट जाएगा फिर वापस जो ऊपर है वही रह जाएगा ठीक है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर पे आ रहा है हमारा डी एक्स इक्वीएक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो और, no, 25, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो एक्स प्लस थ्री बाई फाइव और प्लस सी ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों यह था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव तो बच्चों आज हम लोग ट्वेंटी फाइव तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग इसको प्रैक्टिस करना मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे का सम्स को लेकर ठीक है बच्चों तब तक के लिए बाय टेक केयर